अज अमृतसर विच लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर अते समर्थक वल्लों भलाई मंत्री साधु सिंह का पुतला फूक के प्रदर्शन किया गया अते डिप्टी कमिश्नर नूं मंग पत्र दिता गया। उन्हां कहा कि असी लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर अते समर्थक हाँ, आप जी तो मंग करते हाँ कि आप जी नूं पता है कि आप जी की सरकार दे समाज भलाई मंत्री साधु सिंह धर्मजोत वल्लों केंद्र की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बहु करोड़ी घोटाला किया गया, जिसका खुलासा एक सीनियर IAS ऑफिसर वल्लों किया गया। घोटाले नाल जिथे गरीब बच्चों का भविख खराब होया है, उत्थे ही सरकार की छवि भी खराब हुई है। इस मामले लई इसकी गंभीरता नूं देखते हुए साधु सिंह धर्मजोत नूं तुरंत मंत्रिमंडल विचों बर्खास्त किया जाए और इस मामले की जांच CBI तो करवाई जाए। बर्खास्त करन CBI जांच ना करवाई तो लोक इंसाफ पार्टी आने वाले समय पंजाब के लोग नूं लै के सख्त संघर्ष करन तो गुरेज नहीं करेगी। अगर दलित विद्यार्थियों के भविख नूं लै के उपरोक्त दोनों मंगा ना मनिया गई तो 7/9/2020 दिन सोमवार को आप जी के पटियाला स्थित मोती महल का घेराव भी किया जाएगा। जनरल सकत्र कोर कमेटी मैंबर माझा जोन के सरदार प्रकाश सिंह माहल, पंजाब प्रधान धार्मिक विंग सरदार जगजोत सिंह खालसा, प्रधान सरदार अमरीक सिंह वरपाल, रजिंदर परमार, सरबजीत सिंह हैरी, मनदीप सिंह आदि हाजिर सन। अज जो ये साड़ी अमृतसर की टीम सरदार अमरीक सिंह माझा जोन के प्रधान और साडे नाल प्रकाश सिंह माल जो माझा जोन के जनरल सकत्र आ ते सारी साड़ी अमृतसर की टीम जिहड़ी आ साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूक के अज असी DC साहब अमृतसर नूं मंग पत्र देन जा रहे हैं, राही मुख्यमंत्री नूं मंग पत्र देना DC साहब के राही कि जो धर्मसोत कैबिनेट मंत्री आ जिन्हें गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप के 64 करोड़ रुपया घपला किया खाधा, गरीब बच्चों का हक खाधा, इस मंत्री नूं कैबिनेट के रहण का कोई हक नहीं, इनू कैबिनेट चो बाहर कढ़ के CBI नूं जांच दिती जावे तां जो इत्थे कानूनी कार्रवाई हो के इनू सलाखां पिछे बणदी सज़ा जिहड़ी आ उह दिती जावे। नाल दे नाल जे अज DC साहब नूं जिहड़ा साडे पूरे पंजाब के 22 ज़िलों के लोक इंसाफ पार्टी ये प्रोटेस्ट कर रही है, पुतले फूक रही है, DC साहब नूं मंग पत्र दे रही आ, अगर एक हफ्ते का अल्टीमेटम टाइम दिता कैप्टन साहब ने इस साधु सिंह धर्मसोत कैबिनेट मंत्री नूं बर्खास्त ना किया ते CBI नूं जांच ना दी, 7 तरीक दिन सोमवार लोक इंसाफ पार्टी सरदार सिमरजीत सिंह बैंस प्रधान लोक इंसाफ पार्टी, सरदार बलविंदर सिंह बैंस जेडे सरप्रस्त लोक इंसाफ पार्टी उन्हां दी रहनमाई हेठ उन्हां दी गवाही दे विच कैप्टन सरकार का जिहड़ा जुलूस कढ़ांगे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पटियाले कोठी का जिहड़ा वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा घरा करांगे। अगर फिर भी जे कोई कन्न ते जू ना सरकी ते लोकां नूं नाल लै के बच्चियां नूं नाल लै के जिन्हां बच्चियां दा हक खाधा गया आ उन्हां दे मां प्यो नूं नाल लै के पंजाब दे विच लोक इंसाफ पार्टी जिहड़ा वड्डा संघर्ष विडूगी, इस मंत्री नूं जिन्हें बच्चों का हक खाधा आ इनू कुर्सी ते रहन नहीं दूगी और बनती सजा भी लोक इंसाफ पार्टी जिहड़ी आ दवा के रहूगी। सिंह माल जनरल सकत्र लोक इंसाफ पार्टी माझा जोन, अज साडी लोक इंसाफ पार्टी वालों एक जो कैबिनेट का भ्रिष्ट मंत्री आ धर्मसोत जिन्हें बच्चों की स्कॉलरशिप के करोड़ों रुपये हफन कर लिया संबंधी ये पुतला फूक मुजारे पूरे पंजाब के लोक इंसाफ पार्टी कर रही है। पिछले दिन सैशन के साडे पार्टी प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह जी बैंस ते जथेदार बलविंदर सिंह जी बैंस ने संविधान सभा दे विच मुख्यमंत्री दे सामने स्पीकर दे सामने ये मुद्दा चुकिया सी कि तुहाडे कैबिनेट मंत्री धर्मसोत ने जिहड़ा ये गबन किया इनू बर्खास्त करो, ये खिलाफ परचा दर्ज करो ते पंजाब दे बच्चों का जां हिंदुस्तान दे बच्चों का जिहड़ा शड्यूल कास्ट बच्चों का SC बच्चों का ने जिहड़ा पैसा खा लिया वो इतने करके फुल कार्रवाई की जाए। लोक इंसाफ पार्टी अज पूरे पंजाब दे विच DC हैडक्वार्टर दे इन्हां दे पुतले फूक के एक मंग पत्र देगी कि यह धर्मसोत के खिलाफ इनू कोई हक नहीं आ पंजाब की विजात च रहन दा, इनू बर्खास्त करो नहीं तो लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान
सरदार सिमरजीत सिंह जी बहस जो अगला फैसला देंगे वो उत्ते पूरे पंजाब के लोग किसान यूनियन किसान जथेबंदियां ते पूरे पंजाब का वर्कर लोग इंसाफ पार्टी का 7 तरीक न कैप्टन अमरिंदर सिंह का पटियाला छाई नमाज जरा घेर के कैप्टन नू मजबूर कर दिया जाऊगा। जिस तरह अगे केंद्र सरकार के थोपे फैसले जे आर्डीनेंस जे रद्द कराया इस तरह ही लोग इंसाफ पार्टी फिर झंडे बुलंद करके इनू मंत्री नू बर्खास्त करके रहूगी। सर अगर ये कार्रवाई नहीं की थी तो मांग पत्र देने तो बाद भी कैप्टन का मोदी का करा फिर भी ये प्रोटेस्ट अगर जारी रहेगा। देखो जी ये अगली रूपरेखा जी साढ़े पार्टी प्रधान देंगे जिन्ना चिर ये वरिष्ठ मंत्री धर्मसोत को बर्खास्त नहीं किया जाता उन्ना चिर लोग इंसाफ पार्टी जी बिल्कुल नहीं पाऊगी बच्चों के हक बच्चों दवा के रहूगी। मैं अमरीक सिंह बरपाल इंचार्ज माझा जोन लोक इंसाफ पार्टी और मेरे नाल मेरे सीनियर साथी सरदार प्रकाश सिंह माल जनरल सकत्र माझा जोन सरदार जगजोत सिंह खालसा धार्मिक पंजाब प्रधान और सारी समुची लीडरशिप जिले की अज असी धर्मसोत भ्रिष्ट मंत्री का पुतला फूकया। क्यों फूकया? इस करके फूकया कि सारा पंजाब का बच्चा बच्चा जानन लग पाया कि इस भ्रिष्ट मंत्री ने जेडे दलित गरीब बच्चे परिवार आ उन्होंने बच्चों का जोड़ा स्कॉलरशिप वजीफा सी वो खा लिया और इस भ्रिष्ट मंत्री नू इस पद तो कैबिनेट मंत्री का अहुदे लाने तो लोक इंसाफ पार्टी जी संघर्ष करेगी। और ये अज नहीं कला ये तुहानू शायद पता होना कि लोक इंसाफ पार्टी ने जिन्हां बच्चों वजीफे नहीं सी मिलते उन्हां बच्चों के फार्म भरा के भी मुख्यमंत्री नू भेजे सी पर फिर भी ये जिहड़ा फंड आ गरीबों का बच्चों का वो धर्मसोत 309 करोड़ रुपया खा गए। असी मुख्यमंत्री साहब नू फिर अज थ्रू डीसी साहब मंग पत्र देन जा रहे हैं कि जे इस भ्रिष्ट मंत्री नू ना तुसां बर्खास्त किया तो 7 तरीक नू दिन सोमवार पार्टी प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह बैंस की अगुवाई हेठ बहुत वड्डे लैवल से मुख्यमंत्री साहब की पटियाला विखे जी रैस उन्होंने घेरेंगे तो मजबूर करांगे कि एक धर्म जिहड़ा भ्रिष्ट मुख्यमंत्री अपना मंत्री आ इनू बर्खास्त किया जाए। अगर फिर भी ना किया तो असी वार्ड लैवल महला लैवल हल्का लैवल से संघर्ष तेज करके जिन्ना चिर इन बर्खास्त नहीं किया जाता उन्ना चिर सरकार का खड़ा नहीं छड़ांगे।